बक्सर में धीरे धीरे बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, बढ़ी दियारा वासियों की चिंता। जिले में गंगा का जलस्तर धीमी गति से लेकिन लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ सहायक नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भयाक्रांत हो गए हैं। फिलहाल इलाहाबाद में जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है, हालांकि बनारस में जलस्तर स्थिर होने की सूचना है। उधर जलस्तर की बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। तटबंधों की लगातार निगरानी करते रहने का निर्देश डीएम के द्वारा संबंधित अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को दिया गया है। साथ ही बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षित और ऊंचे आश्रय स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के कनीय अभियंता प्रशांत चौरसिया के मुताबिक जलस्तर में आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि जारी है। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 51.42 मीटर था, जो लगातार आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। शाम तकरीबन 55 मीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन बक्सर में अभी खतरे की कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहां चेतावनी बिंदु 59.32 और खतरे का निशान 60.32 मीटर है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ सहायक नदियों में भी उफान है। कर्मनासा, ठोरा तथा कंचन नदी में भी पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रामरेखा घाट गंगा आरती मुख्य पुजारी अमरनाथ पांडे उर्फ लाला बाबा का कहना है कि गंगा के जलस्तर में बेहद धीमी गति से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस बार बाढ़ आने की संभावना है। हालांकि प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट मोड में है, जिसको देखते हुए यह संतोष है कि अब की बार राहत और बचाव कार्य बेहद अच्छी तरीके से किए जाएंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जलस्तर बढ़ रहा है, क्या स्थिति है, कितना तेजी से बढ़ रहा है? गंगा माँ का जल जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, एकदम बहुत काफी बाढ़ आएगा इंशाल्लाह। सतर्कता के उपाय कुछ है कि नहीं लोगों को? जिला प्रशासन जो है अपनी तैयारी में है बाढ़ से निपटने के लिए, और ये बहुत खुशी की बात है, पहले ही ये लोग तैयारी कर चुके हैं। श्रद्धालु जो यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं उनको भी आप कुछ नसीहत देते हैं? देखिए, श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए और खुशी खुशी स्नान करके चले जाते हैं, तो उनको आप बताते हैं कि मतलब हम लोग उन श्रद्धालु को समझाते हैं, बुझाते हैं, गहरे पानी में स्नान न करें, गहरे पानी में स्नान कीजिएगा तो दुर्घटना हो सकता है, इसलिए उन लोगों को समझाया जाता है कि आप कमर भर पानी में स्नान करके ही निकल जाइए। आपका पूरा नाम और परिचय? हमारा नाम शुभ नाम अमरनाथ पांडे उर्फ लाला बाबा, गंगा आरती मुख्य पुजारी, रामरेखा घाट, बक्सर, बिहार। बक्सर से चंद्रकांत निराला।